अकेली महिला अपने आप को संतुष्ट कैसे कर सकती है, यह जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारी महिला अकेली रहती है, शादी हुई नहीं है, या पति पास में नहीं है, या पति को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, या उसका सेक्स ड्राइव लो है, तो ऐसे समय उसको खुद को संतुष्ट करना लगता है कि भाई उसको चाहिए मगर क्या करे। तो फिर ऐसे समय वो खुद हस्तमैथुन कर सकती है, मास्टरबेशन कर सकती है और अपने आप को संतुष्ट कर सकती है। तो ये कैसे करना है, तो उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। नंबर एक, मूड सेट करो। आपका मूड सेट होना जरूरी है कि भाई आपके दिमाग के ऊपर बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, कोई झंझट हुई है, तो ऐसा ना करते हुए एकदम रिलैक्स वातावरण में होना, अच्छा मूड है, फिर आप लाइट्स बंद कर रहे हैं, अकेले कमरे में है, है ना, कोई म्यूजिक हल्का फुल्का सा सुन रहे हैं, तो ऐसा मूड सेट करो, वो जरूरी है। अदरवाइज किसी झगड़ा झंझट एंग्जाइटी स्ट्रेस करके नहीं आने का। तो नंबर एक, सेट द मूड। नंबर दो, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करो, ल्यूब्स। कहता है कि एक्साइटमेंट होने के बाद में वहाँ फ्लूइड आएगा नीचे, वो गीला हो जाएगा, मगर समझो नहीं आता है, तो उसके पहले यदि आप ल्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, भजाना लुब्रिकेंट्स काफ़ी बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, यदि आप तैयार आपके पास में रखते हैं और वो लगा के थोड़ा सा स्टिमुलेट कर लेते, तो उसमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। नंबर तीन, फैंटेसी। फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन करो कि भाई कोई आपको मिला था पिछले हफ्ते में, यदि आप शादीशुदा है तो आप हस्बैंड के साथ में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उसमें बॉयफ्रेंड के साथ में हो, मतलब जो भी आपको इमेजिन करना है कि भाई पिछला सेक्स कैसा हुआ था उसको इमेजिन करो, या होने वाला है उसको इमेजिन करो, और वो इमेजिन करके आप मास्टरबेट कर सकते हैं फैंटेसी से इमेजिन करके। नंबर चार, टेक योर ओन टाइम। आप आपका समय लो, कोई जल्दी नहीं है कि भाई फटफट करना है, ऐसा नहीं। यदि आपको जल्दी है या कोई आने वाला है, कोई पकड़ लेगा, कोई कुछ करेगा, या बच्चे सोए हैं फटाफट कर लेना, ऐसा नहीं करना है। शांति से, आराम से, रिलैक्स करके कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट वो चलना चाहिए, और आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और आपने जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। सो टेक योर ओन टाइम। चार, टाइम नहीं है तो मत करो, आराम से करना। फिर वैसे भी रात को आप कर रहे हैं तो नींद आ रही है तो बहुत ज़्यादा, और तभी भी करना है, ऐसा भी नहीं करना है। पांचवा, आपके इरोजिनस जोन जो है उसको स्टिम्युलेट करो। अब इरोजिनस जोन मतलब जो बॉडी के पार्ट्स है जिसको स्टिम्युलेट करके अच्छा लगता है, तो उसको स्टिम्युलेट करो, मसाज करो, खुद कर सकते अपने आप को, लाइक निपल्स है, ब्रेस्ट है, बटक है, ईयर्स है, कान के लोब्स है, तो ऐसे आप एनल स्टिम्युलेशन आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, और उसके साथ साथ फिर आप मास्टरबेट करते तो और मजा आएगा। नंबर छः, सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करते बहुत अच्छा है। सेक्स टॉयज मतलब आप वाइब्रेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई टॉयज है कि जो अंदर डाल सकते हैं वजाना में, एकदम स्टराइल है, साफ सुथरी है, तो वो यदि इस्तेमाल करते बहुत ही अच्छा है। साथ कुछ लेडीज़ जो है वो बाथरूम में करती है, और शॉवर्स की जो धार है, नल की धार या शॉवर की धार है, वो लेती है क्लैटरल के ऊपर, उससे उसको स्टिम्युलेशन आता है, और उसके साथ में वो मास्टरबेट करती है। या कोई फिर आठवा जो है वो पिलो के साथ में करती है। एट दिस पिलो मतलब पिलो के ऊपर या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर घिसना, मगर उसमें पिलो है तो ठीक है, मगर कोई हार्ड चीज़ के ऊपर आप घिसते हो तो जख्म होने की संभावना है। तो आठवां पॉइंट है पिलो के ऊपर रब करके, या कोई भी जो चद्दर है उसके ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके ऊपर रब करने का है। आर्टिफिशियल पेनिस मिलते हैं, आर्टिफिशियल, तो वो डाल के भी कर सकते हैं। फिर नौवां पॉइंट जो है वो है कि सेक्स वीडियो वॉच करो, और सेक्स वीडियो वॉच करके एडिशनली, और उसमें भी आपको बहुत सारा एक्साइटमेंट मिलेगा, और सेक्स वीडियो वॉच करके भी आपको, और उससे भी एक्साइटमेंट होगा, और उसमें भी आपको दुगुना मजा आएगा जब आप मास्टरबेट करते हो। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक सेट द मूड, नंबर दो ल्यूब्स का इस्तेमाल करो, नंबर तीन फैंटासाइज करो इमेजिनेशन, नंबर चार आपका समय लो आराम से करो, नंबर पाँच इरोजिनस जोन्स है बॉडी के उसको स्टिम्युलेट करो, नंबर छः सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करो, नंबर सात वाटर शावर ले सकते हैं, नंबर आठ पिलो जैसे कोई भी चीज ले सकते हैं, नंबर नौ सेक्स वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा, और कुछ मिस कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टाडालाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना, और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना, तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है,
और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है, इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टैमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर, वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश, जुनून, उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच।